पंचकुला सेक्टर 5 नो फ्लाइंग जोन एरिया घोषित। 15,000 लोगों का बना सिटिंग प्लान, समारोह स्थल के चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। सेक्टर 5 को पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन एरिया घोषित कर दिया गया है। सुबह से ही सुरक्षा दस्ते चप्पे चप्पे की जांच में जुटे हुए हैं। एनएसजी समेत हरियाणा पुलिस की सीआईडी विभाग, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड ने समारोह स्थल पर चेकिंग की। जैसे जैसे शपथ समारोह की घड़ी नजदीक आ रही है, शपथ समारोह स्थल पर तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। शालीमार ग्राउंड में करीब 15 एकड़ में फैले समारोह स्थल में 10 एंट्री गेट मेहमानों और आम जनता के लिए बनाए गए हैं। दूसरी तरफ बैठने के लिए कुल 3 सीटिंग एरिया तैयार किए गए हैं। इनमें करीब 15,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। स्टेज एरिया के सामने करीब 120 फुट चौड़ा और करीब 200 फुट लंबा सीटिंग एरिया वीवीआईपी वीआईपी के बैठने के लिए तैयार किया गया है। इसके दाईं ओर 40 फुट चौड़ा, 60 फुट लंबा और बाईं ओर 40 फुट चौड़ा, 132 फुट लंबा एरिया लोगों के सिटिंग के लिए बनाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लाइव कवरेज के लिए समारोह ग्राउंड में कुल 14 LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। इनमें से 3 स्क्रीन 45 फुट चौड़ी होंगी और जो पीएम स्टेज के इर्द गिर्द लगी होंगी। अन्य 15 फुट ऊंची स्क्रीन पूरे सिटिंग एरिया और एंट्री व एग्जिट पर लगाई जाएंगी, जिससे लोग पीएम मोदी को लाइव सुन सकेंगे। समारोह स्थल की एंट्री के ठीक सामने बनी सेक्टर 8 और 9 के कमर्शियल सेंटर की पार्किंग को वीआईपी पार्किंग में तब्दील किया जाएगा। इसके लिए पार्किंग एरिया की कॉपरेटिंग की जा रही है। इसके अलावा सेक्टर 5 में होटल और अन्य कमर्शियल पॉइंट की पार्किंग भी दुरुस्त की जा रही है। पंचकुला से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।